दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं फैंटम पावर सप्लाई। देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके का मिलता है ये बॉक्स, आप यहां पे देख सकते हैं। इस बॉक्स का हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या मिलता है इस बॉक्स में और कैसे इसे यूज किया जाता है। दोस्तों ये बेसिकली यूज किया जाता है आपको माइक्रोफोन को यूज करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप ये छोटा माइक्रोफोन है तो इसे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप माइक्रोफोन स्टूडियो के लिए बनाना चाहते हैं या फिर एक सेटअप बनाना चाहते हैं तो आपके लिए इसे खरीदना जरूरी है, जिसे जिसका नाम है फैंटम पावर सप्लाई, इसे आप खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास बॉक्स फैंटम पावर सप्लाई का, जिसका नाम है यूफोरिया UM2। ये आता है आपको बेहरिंगर कंपनी की तरफ से और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फोकस किया है, ये है इसका फ्रंट साइड बॉक्स का। और मैं इसे टर्न करके भी दिखा देता हूँ चारों साइड से कि ये किस तरीके से पैकिंग की गई है और क्या क्या डिटेल्स हमारे यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे चाइनीज़ में लिखे हुए हैं मक्खी मच्छर की तरह, तो इसे हम इग्नोर करेंगे। और दूसरी तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मेंशन है। तो फटाफट से हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या कंटेंट मिलते हैं और कैसा है ये प्रोडक्ट। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं अपने माइक्रोफोन को यूज़ करने के लिए, क्योंकि जो बड़े माइक्रोफोन होते हैं जैसे BM-800 है या फिर और भी माइक्रोफोन है तो उसे यूज़ करने के लिए आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो उसकी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं होगी। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मिलता है क्विक स्टार्ट गाइड यूज़र मैनुअल, इसे हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर कैसे कैसे बुकलेट्स है। तो ये है सबसे पहले स्टिकर और इसी के साथ यहाँ पे मिल जाता है कुछ यहाँ पे बुकलेट्स, इसे हम ओपन करते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 बुकलेट्स मिलते हैं, अगर इसे आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में आपको पता चलेगा, तो हम इसे नहीं पढ़ने वाले, रखते हैं साइड में। और उसके बाद है एक और स्टिकर, ये है बेहरिंगर की तरफ से, तो इसे आप कहीं पर यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यूज़ नहीं करने वाला। और उसके बाद है हमारा फाइनली कंटेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके की प्रोटेक्शन यहाँ पर दी गई है फॉर्म के द्वारा, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं और उसके बाद इसे हम ओपन करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आपको एक और कंटेंट मिलता है, यहाँ पर एक है वायर जिसे आप कनेक्ट कर सकते हैं इसे पावर देने के लिए। तो इसे भी हम पॉलीथीन से निकालते हैं और उसके बाद दिखाते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है और कौन कौन से पिन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इसे हम फाइनली यहाँ से ओपन करते हैं और मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसे ओपन कर दिया और वायर को यहाँ पे हम बाहर निकालते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये पिन मिलता है, इसे आपको लगाना है फैंटम पावर सप्लाई इस बॉक्स में। और दूसरा जो केबल है उसे आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में लगा सकते हैं। तो इसे फिलहाल हम रखते हैं साइड में और इस पॉलीथीन को ओपन करते हैं। तो पॉलीथीन ओपन करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे पॉलीथीन को ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ये मिलते हैं सिलिकॉन जेल, इसे मैं रखता हूँ साइड में। और ये है हमारा पावर सप्लाई, फैंटम पावर सप्लाई। नीचे से आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप देखने को मिल जाती है, ये है प्लास्टिक के बॉडी के साथ, और आगे आपको ग्लॉसी लुक देखने को मिल जाता है। ऊपर 3 आपको बटन देखने को मिल जाते हैं, इसे आपको घुमाएंगे, इसे आपको टर्न करना होगा तो आप बाकी सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जो भी आपके साउंड है उसकी क्वालिटी में आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आगे आपको बहुत सारे पोर्ट मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पर 3 पोर्ट यहाँ पर दिया गया है, जिसमें पहला जो पोर्ट है बराबर उसमें आप माइक को लगा सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको गिटार वगैरह लगाना है तो भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक बटन भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको 2 पोर्ट और मिलते हैं आउटपुट के लिए, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपको वायर बताया था वो वायर आप USB के द्वारा यहाँ पे लगा सकते हैं, और यहाँ पे ऑन ऑफ का एक स्विच देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है इस फैंटम पावर सप्लाई में। और इसके बारे में कुछ डिटेल्स है यहाँ पे स्टिकर पे, तो कुछ इस तरीके का ही आपको ये बॉक्स देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है और इसकी जो कीमत है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इसे मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने माइक्रोफोन के साथ, जो कि है हमारे पास BM-800। ये 2 प्रोडक्ट हमको इसके साथ देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इससे भी अच्छी आपको फैंटम पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगी, लेकिन उसका जो बजट है उसकी जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन इसकी जो रेट है
4000 के अंडर में ये देखने को मिल जाता है। तो इसे अगर आप लेंगे यूज़ करेंगे तो आपके बजट में भी आएगा, और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने पहले भी इसे यूज़ किया है। तो मैं एक और वीडियो आपको लाऊंगा जो कि मैं पूरे सेटअप के साथ इसे यूज़ करके भी आपको बताऊं। तो दोस्तों, अगर आपने माइक का अनबॉक्सिंग नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। अगर कोई डाउट है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।